ओरिजिनल नहीं तो ओरिजिनल कितना हुआ? तो गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक नई शुरुआत नए ब्लॉग की और अपना डायलॉग बोलते हुए केड़ वाला सुठो डाडो सुठो। बारिश का मौसम है और बारिश सुबह से देखो ये बंद नहीं हुई है, बंद हो ही नहीं रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये भाई मज़े तो इसके, सॉरी यार इन लोगों के मज़े नहीं, कहीं पे कुछ मिलता नहीं है यार इनको, तो ये लोग ऐसे घूमते हैं। और जिम में दिखाऊं बारिश है तो कोई आया नहीं है, कोई आया है नहीं आया, जिम खाली है, पूरा खाली है जिम। ये हमारी मैडम काम करते हुए, काम नहीं कर रही, बुक पढ़ रही, पर गुजराती में मेरे को पता नहीं चल रहा थोड़ा। गुजराती में? गुजराती नहीं आती है? गुजराती नहीं आती? आती है तो, पर पढ़नी और लिखनी थोड़ी बहुत कमजोर है, बाकी मैं तो गुजराती। गुजराती बोलना आती है, लिखनी और पढ़नी नहीं आती है? आती है थोड़ी बहुत आती है। मतलब मैं, हम सोचे कि ये क्या भावे सर क्या बोले कि ये गुजराती के नाम पे डब्बा है। आपको सिंधी लिखनी आती है? लिखनी आती है, पढ़ने भी आती है, बोलने भी आती है। तो मैं पढ़ा हुआ सिंधी हूँ। तो आपकी गलती, आपकी गलती हो रही कैसे? मेरी भाषा जो है वो मेरे को आती है बोलने, मेरे को आती है, ऐसा नहीं, अंदर लिखने भी आती है, बोलने भी आती है। સેલ્ફી તમે ડિલીટ કરો છો એ હકીકત છે, બાકી બધી મો માયા ये वैसे बोले तो आज का लेसन यही है, सेल्फी अगर आप ले रहे हो जो सेल्फी डिलीट कर रहे हो, जो सेल्फी ले रहे हो और वो सेल्फी को आप डिलीट कर रहे हो कि अच्छी नहीं है, तो वो ही आपकी रियलिटी है। ये मतलब आपकी शक्ल ही ऐसी है, वो आपके लिए नहीं मेरे लिए भी ऐसा ही है। और इनके तो 50 फोटो खींचो, 50 फोटो खींचो उसके बाद में खराब होती है। मैं फिर वो शौक ही नहीं है, मैं फोटोग्राफर। अच्छा, हाँ देखो फोटो क्लिक करना अच्छा लगता है। बराबर, फिर आप ही डिलीट करते हो? मैं हमेशा मेरे, अरे मेरे फोन में मैं सोचता हूँ कौन सा डिलीट करूँ, मेरे फोन में इतनी मेरे फोटो है, मैं सोचता हूँ कौन सा डिलीट करूँ। यू नो आपका भाई एकदम स्मार्ट है, कैमरा मैन भी असर है आपके ऊपर। ना ना ना, है जो है तो है, जो स्मार्ट है। सीरियसली नहीं लेना इनकी बात, वो लोग सीरियसली लेते हैं और उनको पता है। कमेंट में भी वही भेजेंगे कि सही बात बोली मैडम ने, यही बोलेंगे। देखना नहीं बोलेंगे, शर्त लगा दी। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर कमेंट लिखो, अगर मैं स्मार्ट दिखता हूँ तो हाँ लिखना, अगर नहीं दिखता हूँ तो ना लिखना। अगर ना लिखा तो मैं फॉलो करूँ तो कमेंट करके बताओ। अभी तो ये चैलेंज, अगर आप देख रहे हो ना पूरा, तो अभी तो चैलेंज है, देखो क्या होता है करते हैं। ऊपर का ये धवल मेरे लिए दूध लाया है स्पेशल। क्या है दूध? मिस्टर गाय का दूध है। नहीं नहीं, तूने क्या बोला? क्या क्या कौन सा? तू पहले क्या बोला? ओरिजिनल क्या? बोल बोल। ओरिजिनल दूध है गाय का। नहीं नहीं, फिर से बोल। ओरिजिनल दूध है गाय का। ओरिजिनल नहीं तो ओरिजिनल बोल बोल। अरे सुनिए, तुम्हें मैं हटा गया क्योंकि मैं बिक के आया। बिक के आया तो अच्छा, बिक के आया तो इसके लिए नाम नहीं निकल रहा है। निकल रहा है ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वो भागे बहुत चारों दिन सुबह में, इसलिए ऐसे नहीं होता है। तू बता कैसे, फिर से बोल। जल पहले बोल। ओ ओ री जिनल जिनल हाँ ओरिजिनल ओरिजिनल हाँ मैं लाया हूँ दूध आपके लिए पीने के लिए। हाँ पीना हो तो पियो। गाय का है? हाँ, आपकी जो अंदर यूट्यूब में जितने भी सब देख रहे हैं, तो कोई इतने नजदीक के एरिया का हो तो उनको भी दूध चाहिए, तो मुझे बताओ
मेरा नंबर है 6353744450। मेरा नाम है धवल, कोई भी कॉल करो कहीं भी आ जाएगा। हाँ कहीं भी दूध देने आ जाऊंगा। ये मोटेरा में, अगर आप मोटेरा में हो या चांदखेड़ा आजू बाजू में हो तो दूध की जरूरत हो तो धवल इसका दूध का बिजनेस है। इसकी 25-60 मतलब जितनी गाय है, 15 भैंसे। क्या बात कर दे, 15 भैंसे और गाय, 15 भैंसे 15 गाय। भाई ये तो कमाईली पार्टी है, हम तो इसको ऐसे समझते थे कि ये तो ऐसे छोटी मोटी नौकरी करता है, ये तो कमाईली पार्टी है भाई। रोज का टर्नओवर होगा इसका 1-1.5 लाख रुपए का। रोज का नहीं, महीने का। महीने का, ओ मतलब सच्ची बात है ये। धवल भाई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, हम लोग इसको छोटा समझ रहे थे। तो दूध किसी को भी चाहिए तो धवल से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किसी को भी चाहिए, चांदखेड़ा एरिया में या मोटेरा एरिया में या साबरमती के विस्तार में किसी को भी चाहिए, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बंदो घर जा रहा हूँ और मौसम ऐसा है कि पूछो ही मत। यहाँ से गाड़ी सीधा सीधे ले लूँ ऐसे कि लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊँ अकेला, टू व्हीलर का मज़ा आ जाए, मतलब पूछो ही नहीं इतना मज़ा, रपा रप गाड़ी, मतलब आनंद आनंद वाली जो बोलते हैं ना, वो सुकून वाली राइड वो मिले इसमें, ये मौसम तो क्या ही है सुबह सुबह। We are back again at gym. Actually, अभी 4 बजे का जिम बैच है, वो देखूंगा अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं, बाकी वर्कआउट करके जाऊंगा वापस, क्योंकि आज पापा को थोड़ा लेग में पेन है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना है उनको, तो उधर जाना है, उधर अर्जेंट है, क्योंकि अभी पापा ने बोला कि पेन हो रहा है तो जाना पड़ेगा। ठीक है वंदन, तो बैच शाम वाली 7 बजे वाली मिस करनी पड़ेगी, तो कोई वंदन नहीं, फिर बाकी का आपको दिखाएंगे। और ये आया हूँ मैं कुछ सामान लेने, पूरियां और अभी बूंदी भी लूँगा। एक्चुअली कल सातम है तो उसके हिसाब से ठंडा बनाएंगे ये सब, तो उसके लिए भी सब लाया। और यहाँ पे ये देखो साइड से भाई जो कुछ किसी चीज़ का आटा गूंद रहे हैं, वो पैर से गूंद रहे हैं, ऐसे दिखाऊंगा तो ये लोग भी बोलेंगे थोड़ा ऐसे दिखा। बाकी चलो चलते हैं घर, पापा का ट्रीटमेंट कराने आया हूँ, कि लेग में थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो दिखाने आया हूँ। अभी ये इन्होंने शॉर्ट्स पहन लिए, अभी थोड़ा वॉक करेंगे, कि पापा के हैमस्ट्रिंग्स के जो मसल्स हैं पूरे स्टिफ हो गए हैं, तो उस हिसाब से तो फिजियो का कपिंग थेरेपी होगी शायद से, तो देखें ये पहले देखो कि इन्होंने अल्ट्रासाउंड वाला थेरेपी कर रहे हैं। वैसे ये फिजियोथेरेपी मेरे फ्रेंड का ही है तो इतना वो नहीं, पहले ये अल्ट्रासाउंड का करेंगे, फिर जो होगा ये वाले कपिंग होंगे वो लगेंगे। ये देखो जो कप लग रहे हैं, तो वही मैं भी करवाने का ट्राई करूँगा, मुझे भी करवाने ही हैं तो ये मैं भी करवाऊँगा थोड़े टाइम में, लेकिन मैं शायद हिजामा का करवाऊँ क्योंकि मेरे मसल्स का अलग है या ये अलग है, इस हिसाब से मैं। वैसे मेरे भी डिस्क में थोड़ा प्रॉब्लम था पहले, तो अभी सोचूंगा कि फिर से करवाऊँ, शायद रिलीफ उससे हो जाए या क्या, करवाऊँगा तो ज़रूर कपिंग से, क्योंकि उससे ही ज़्यादा फास्ट रिकवरी होती है, तो देखें अभी जैसे सजेशन लूँगा करवाना होगा तो करवाऊँगा, तो देखते हैं। तो
तो दिन की शुरुआत यहीं पे एंड होती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि कल जो आपने जिम में ब्लॉग देखे सुबह के, दिन की शुरुआत, दिन की एंड यहाँ पे शुरुआत बोला, नींद में हूँ तो थोड़ा बहुत चला लेना, सॉरी माफ करना। तो जो उस दिन पहले आपने देखा जिम में वो ट्यूसडे का था और आज है वेनसडे। आज मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या था, वहाँ से जिम से निकला, फिर दो तीन काम थे, बारिश थी, भीग गया था, थोड़ा बीमार भी हो गया था मैं, तो उस हिसाब से सर्दी हो गई है, पूरा बॉडी फीकने जैसा लग रहा था इस हिसाब से, तो ब्लॉग नहीं बना पाया था। आज नून में थोड़ा बनाया, थोड़ा शाम में बनाया, जितना बनाया इतना डाल दिया, क्योंकि ब्लॉग को स्टॉप नहीं किया, बनाया जितना भी। तो इस हिसाब से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, तो होप करता हूँ थोड़ा कुछ भी आपने जो देखा है वो अच्छा लगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, शेयर करना, शेयर करके सब्सक्राइब करना अगर न्यू व्यूअर हो तो, और दूसरों को भी बोलो शेयर करो हमारे चैनल के लिए, सब्सक्राइब करें। आगे चल के बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, तो इस हिसाब से मिलते हैं आपको नए बड़े से अच्छे वाले ब्लॉग में।